हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला है सिंपल इंटरेस्ट मतलब आई, तो आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो आई का फॉर्मूला क्या है, पी मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई 100, मतलब पी टी आर बाई 100। तो पी क्या है, पी है आपका प्रिंसिपल, टी क्या है, टी है आपका टाइम, एंड आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी टी आर डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो फॉर्मूला है पी टी आर बाई 100, ये आपका मास्टर फॉर्मूला है। मतलब इस फॉर्मूला से आप किसी भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, पी मतलब है आपका प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए, तो ये पी का फॉर्मूला क्या होगा, पी होगा आई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टी आर। तो सिमिलरली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, इसका फॉर्मूला भी आप ये जो आई का जो फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला से आप निकल सकते हो। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और उसके बाद प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, इसका फॉर्मूला आप इजिली निकल सकते हो। तो इसके बाद क्या आता है, इस बाद आता है क्या ए मतलब क्या है आपका अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है पी प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, तो ए का वैल्यू आएगा प्रिंसिपल मतलब पी पी यहाँ पे लिखते हैं हम पी, एंड आई मतलब क्या है पी टी आर बाई 100। तो पी टी आर बाई 100, तो यहाँ पे से हम पी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस टी आर बाई 100, ठीक है। तो ये रहा आपका अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो ये रहा आपका अमाउंट का फॉर्मूला। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला एंड अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला ही बताया। तो नेक्स्ट जो वीडियो में करूंगा उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा ये सिंपल इंटरेस्ट का यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।